सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की डिटेक्शन कैसे हो सकती है। सो यहाँ पे फोर मेथड है अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। उसमें से फर्स्ट है कून्स ट्यूब मेथड, दूसरी है सेंसिटिव फ्लेम मेथड, तीसरे यहाँ पे थर्मल डिटेक्शन मेथड और चौथे है यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड। यहाँ पे आज बात करेंगे हम कून्स ट्यूब मेथड की डिटेल्स में। सो जो हमारा कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नोड और एंटी नोड व्यूज में क्या होता है। सो शुरू करते हैं नोड और एंटी नोड क्या होता है उसका थियरम। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग यानी कि कोई दूरी ली है। यहाँ पे मैंने उस धागे को इन दोनों जो पॉइंट है ये और ये यहाँ पर उसे क्लैंप किया है यानी कि वो मूव नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर जो ये धागा है ये उसे अगर मैं इस तरह के से कंपन दूँ ऐसे ऐसे तो वो रेजोनेंस पैदा करेगा। यहाँ पर जो उसका एंड पॉइंट है वो हमने क्लैंप किया है इसलिए वो नहीं हिलेगा, बट उसका जो सभी वो अदर पॉइंट है वो हिलेंगे और मूव होंगे ऊपर नीचे इस तरह। यहाँ पर भी और पॉइंट होंगे इस धागे के, सो यहाँ पे जो पॉइंट है जो कि हिल नहीं रहा जो स्टेबल है उसे हम कहेंगे नोड पॉइंट। और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कि नोड पॉइंट से उस वो जो धागा होता है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे एंटी नोड। और इस वाली फिगर में अगर आप दोनों साइड से कोई भी धक्का है उसे अगर आप कंपन देते हैं या फिर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरह से रेजोनेंस करेगा ऊपर नीचे। यहाँ पर हमारे एंटी नोड और नोड इस तरीके से हो गए। यहाँ पे ये जो नोड्स पॉइंट है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो गए और यहाँ पे जो एंटी नोड पॉइंट्स है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी क्योंकि नोड पॉइंट्स जो एक्चुअल पोजीशन है हमारे धक्के की उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा उसे हम एंटी नोड कहेंगे। और यहाँ पे जो दो नोड पॉइंट होते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्ब्डा बाई टू जो हमने फिगर टू में दिखाया है। और यहाँ पे जो फुल व्यू होते हैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक उसकी जो डिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होता है लैम्ब्डा। तो आपको नोड की डेफिनेशन लिखने हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अ नोड इज़ द वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ ज़ीरो यानी कि जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो उस पॉइंट पे ज़ीरो होता है क्योंकि वो पॉइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता वो स्टेबल होता है। और यहाँ पर जो एंटी नोड होता है उसकी डेफिनेशन हुई एंटी नोड्स आर वेयर द एम्पलीट्यूड इज़ अ मैक्सिमम हाफ वे बिटवीन टू एडजक्शन नोड्स यानी कि यहाँ पे जो नोड्स पॉइंट होते हैं टू उसका जो हाफ वे होता है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे हम कहेंगे एंटी नोड। और यहाँ पे एंटी नोड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। सो अब बात करते हैं हमारा कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वन ट्यूब ली है जो कि है ग्लास की ट्यूब, एक एंड है वहाँ पे मैंने फ्री डिस्क ली है जो कि मूवेबल है और यहाँ पे दूसरी डिस्क है जो कि फिक्स है। सो यहाँ पे मैंने इनर सरफेस में इस जो ट्यूब है जो कि ग्लास की है उसके जो इनर सरफेस है यानी कि यहाँ पर मैंने हाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया है। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं बट यहाँ पे वो पाउडर की डेंसिटी होती है वो स्मॉल होनी चाहिए। सो यहाँ पे हाइकोपोडियम पाउडर की डेंसिटी स्मॉल है बहुत ही कम है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है और यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। सो यहाँ पे मैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को अब पास करूँगा। यहाँ पे ये है ए वो है एंटी नोड और जो एन है वो है नोड और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो कि दो नोड होते हैं उसका डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाई टू और एक जो कि फुल वेव होता है उसका डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा। सो ये हो गई उसकी जो कि है फिगर कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की फिगर है। अब बात करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो वर्किंग कैसे करता है। सो यहाँ पे हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करना है कून्स ट्यूब में। सो ये मैंने आपको वेव्स दिखाई है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे और यहाँ पे फ्री एंड है इसलिए यहाँ पे बनेगा एंटी नोड
और यहाँ पे फिक्स एंड है इसलिए यहाँ पे बनेगा नोड। अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव पास करने पर जो हाइकोपोडियम पाउडर है वहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव का नोड पॉइंट होगा वहाँ पे वो हिप्स फॉर्मेट करेगा, और जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे इस टाइप की वैली क्रिएट करेगा, यानी कि हिप्स क्रिएट करेगा नोड पर और एंटी नोड पर वैली टाइप की फॉर्मेशन करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हिप्स टाइप आपको दिखाया है और यहाँ पे वैली टाइप का है। सो इससे हमें मालूम चलता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है, और यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हम अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ही होती है, इसलिए ये जो कून्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ही बेसिक होता है। सो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। सो ये था हमारा कून्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अब जानते हैं कि आप इसे राइट कैसे कर सकते हैं। सो कून्स ट्यूब मेथड, इन दिस मेथड इज नॉर्मली रस्टिकेटेड टू लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया फंडामेंटल लॉस अप्लाई होते हैं फ्रीक्वेंसी के। वेन द अल्ट्रासोनिक वेव पास थ्रू द ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विथ द हाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल इन द ट्यूब, यानी कि यहाँ पे ट्यूब है उसमें जो हाइकोपोडियम पाउडर है वो हमें स्प्रिंकल कर देना है। अब जो पाउडर द पाउडर गेट्स ब्लो ऑफ एंड फॉर्म्स हिप्स एंड नोडल्स पॉइंट, यानी कि मैंने आपको बता दिया है कि जो नोडल पॉइंट हो गए वहाँ पे जो हाइकोपोडियम पाउडर है वो हिप्स क्रिएट करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन यानी टू नोड्स पॉइंट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेव लेंथ, यानी कि यहाँ पे जो नोडल पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ के हाफ का होगा, यानी कि डिस्टेंस डी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टू। फ्रॉम दिस इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक इज ऑब्टेन, यहाँ पर से हम जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसकी वेवलेंथ को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंटल की फेलियरिटी ये है कि दिस मेथड इज फेल फॉर वेरी स्मॉल वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेस देन अ फ्यू मिमी, यानी कि यहाँ पे कम वेवलेंथ वाली अल्ट्रासोनिक वेव हुई तो उसे हम कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे आप जानेंगे थर्मल डिटेक्शन मेथड के बारे में और सेंसिटिव फ्लेम मेथड के बारे में और साथ ही साथ क्वार्क्स क्रिस्टल मेथड के बारे में, जो कि है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव की डिटेक्शन की अगली मेथड्स।